अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहां से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ हम लोग साथ में चलते, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना है ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बना कर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बना कर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छतरपुर में चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे, खासतौर पर अपनी मां को लेकर कांग्रेस नेता राज बब्बर की टिप्पणी से पीएम मोदी काफी आहत दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो मां को गाली दे रहे हैं। राज बब्बर के बयान पर पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस को कुछ नहीं सूझता तो मां को गाली देते हैं। कांग्रेस वाले ये समझते हैं कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच पाएगी क्या? उन्होंने कहा कि जिस मां को राजनीति का राह नहीं मालूम है, जो मां पूजा पाठ और भगवान को याद करने में पूरा वक्त बिता रही है, उस मां को कांग्रेस ने राजनीति में घसीटा है। ये खेल खेलने वालों ने ही आपके सपनों को चूर चूर कर दिया है। 15 साल पहले यानी कांग्रेस के करीब 55 साल का राज और भाजपा शिवराज जी का 15 साल का राज, आपको देखना चाहिए। पीएम मोदी ने छतरपुर और मंदसौर में कहा कि आजकल मैं दिल्ली में देख रहा हूं, बहुत सारे लोग झूठ के शिखर हो चुके हैं, क्योंकि 24 घंटे दिन रात जहां मौका मिले वहां झूठ बोलने वालों की फौज इतना जोरदार झूठ बोलती है, इतनी आसानी से बोलती है और कभी झूठ बोलने में कंफ्यूज हो जाती है।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अरे सावी, सवेरे सवेरे यहाँ कैसे? सर जल्दी चलिए ना, वोट करने चल रहे हैं भाजपा को। अरे भाई मुझे तैयार तो हो जाने दो। हाँ नहीं सर, आपने कहा था ना प्रदेश पहले, और एमपी को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना भला, तो अभी चलिए वोट करने। अरे ये सब? जी सर, बहुत कोशिशों के बाद प्रदेश आगे बढ़ा है, अब कोई हमारी प्रगति रोके ऐसा होने नहीं देना। हम सब मिलके भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अच्छा हुआ तुम घर ही आ गए, आज तुम्हारे साथ ही मतदान करेंगे। समृद्ध एमपी बनाने के लिए भाजपा को जिताना है ना सर, इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। अरे पर इतने सारे ऑटो वाले कहाँ से आ गए? ये सभी तो भाजपा को वोट देने जा रहे हैं ना सर। इतने सारे? प्रदेश भी तो इन्हीं का है ना, भाजपा की सरकार बनेगी तो फायदा भी तो सभी का होगा। किसी दूसरी पार्टी ने कभी इतना सोचा है हमारे बारे में? इसलिए सब मिलके वोट देंगे भाजपा को। सुझाव तो दे चुके, अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। इतने सारे? तो ऐसा कर तू घर पे आ जा। हाँ हम लोग साथ में चलते, ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? वोट डालने भाजपा को। मनु लेने आ रहा है। लेने आ रहा है? क्यों? उसने समृद्ध एमपी के लिए आइडिया दिया था, प्रदेश के किसानों के फायदे के लिए, और अब बोल रहा है कि भाजपा को जिताना, ताकि उसके आइडिया से सारे किसानों का भला हो। पर सिर्फ अपने वोट से क्या होगा? जरा उधर देखो। भाजपा है तो ही प्रदेश की प्रगति है। सुझाव तो दे दिया, अब फैसले का वक्त है। सब मिलकर देंगे वोट भाजपा को। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। अरे राधा, सुबह सुबह आइडिया तो दिलवा दिया भाजपा को, अब वोट डालने भी तो जाना है ना। तू जा, मैं सबका चाय नाश्ता बनाकर आती हूँ। तुम लोगों ने इतना अच्छा आइडिया भाजपा को दिया है, तो जाओ और समृद्ध एमपी के लिए भाजपा को वोट भी करो। ठीक है बाबूजी। राधा तू रुक, अपन बाबूजी का नाश्ता बनाकर चलते हैं। अरे मेरा नाश्ता बाद में, भाजपा को वोट पहले। चलो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। अरे वाह, हम सब मिलकर साथ में भाजपा को वोट करेंगे। सुझाव तो दे दिया, लेकिन अब फैसले का वक्त है। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे।